हे एवरीवन, वेलकम टू एनआईएम गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे ओत्सुकी क्लान के कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओत्सुकी क्लान डेफिनेटली सेलेस्टियल बीइंग्स हैं जो कि यूनिवर्स के डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल करते हैं और किसी एक प्लैनेट को ढूंढते हैं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, और वहाँ जाके वो एक डिवाइन ट्री को या गॉड ट्री को प्लांट करते हैं, जो कि क्या करता है वहाँ उस प्लैनेट पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके चक्रा को कंज्यूम करके एक चक्रा फ्रूट बियर करता है, और उसको ये कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट लॉन्गेटिविटी और इवॉल्व होने के लिए, और ताकि इनके पावर्स बढ़ सकें और ये ज्यादा समय तक रह सकें। इसलिए ओत्सुकी क्लान के मेंबर्स चक्रा फ्रूट को हर एक प्लैनेट पे जाके हार्वेस्ट करते हैं। अब ये चक्रा फ्रूट या फिर डिवाइन ट्री को प्लांट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक 10 टेल्स को कैरी करते हैं। सो 10 टेल्स को कैरी करके ये डिवाइन ट्री का एज अ सीडिंग यूज करते हैं, मतलब जो 10 टेल्स है वो डिवाइन ट्री का एज अ सीड समझ लीजिए। अब क्योंकि 10 टेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो क्या होता है कि ये जो ओत्सुकी क्लान के मेंबर्स हैं इसीलिए हर एक मिशन के लिए 2 ओत्सुकी मेंबर को भेजते हैं, जिनमें से एक हायर क्लास होता है एक लोअर क्लास होता है। सो जो लोअर क्लास ओत्सुकी होगा उसको 10 टेल्स का एज ए न्यूट्रिएंट्स सर्व किया जाएगा, मतलब उसको सेक्रीफाइस करना होगा एक ओत्सुकी बॉडी को इन ऑर्डर टू मतलब प्लांट द डिवाइन ट्री। सो जब एक ओत्सुकी बॉडी को जब 10 टेल्स को दिया जाएगा तो वो डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और चक्रा फ्रूट को बियर करेगा। सो वी विल एक्सप्लेन कामा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइज एंजॉयड इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।